ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। मतलब दो मेटल कंपाउंड होगा और दोनों एक दूसरे के कंपाउंड को यानी आयन को रिप्लेस करके और न्यू कंपाउंड बनाएगा, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका एक और तरीके से अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें, रिएक्शन इन विच सॉल्यूशन कंपाउंड ऑफ टू रिएक्टेंट्स रिएक्ट ईच अदर टू फॉर्म न्यू कंपाउंड बाई एक्सचेंज ऑफ आयन्स। जैसे कि वन मेटल आयन फॉर्म्स कंपाउंड विद आयन ऑफ अनदर मेटल एंड वाइस वर्सा, मतलब अनदर मेटल का जो आयन होगा फिर दूसरे मेटल के आयन्स के साथ वाइस वर्सा, मतलब ठीक इसके उल्टा होता है, इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस टाइप का जो होता है कि मतलब एक कंपाउंड दूसरे के और दूसरा पहले के, तो उस टाइप के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन आप लिख लेना, नोट्स बना लेना, ताकि आपको एग्जाम्स के टाइम में रिवीजन करने में आसानी हो। सारे ही जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उसके नोट्स बना लो आप, एग्जाम्स के टाइम में रिवाइज करने में आसानी हो, और एक एक दो दो एग्जाम्पल्स लिख लो, मतलब पूरी की पूरी एक तरीके से इसको लिख लो आप, लिख के रख लो, एग्जाम्स के टाइम में रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा। और डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स पूछते हैं एग्जाम्स में, चाहे सीबीएसई का हो, आईसीएसई का हो, या फिर स्टेट बोर्ड का हो, अधिकांश एनसीईआरटी का ही पूछते हैं, या फिर कोई भी प्रकाशन की बुक हो आपके पास, एबीसी, प्रदीप, कोई भी हो, तो उसमें इसी को एलोब्रेट करके देता है ज़्यादा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है तो वहाँ पे पाँच दे देगा, यहाँ पे तीन दिया हुआ है तो वहाँ पे नौ दे देगा, उस टाइप से एग्जांपल्स देगा, लेकिन देगा यहीं और पूछेगा भी तो यहीं, नौ पढ़ोगे या फिर पाँच पढ़ोगे, एनसीईआरटी का पढ़ोगे तो पूछेगा यहीं, एक दो ही क्वेश्चन इधर उधर होगा तो भी आप बना लोगे इसकी हेल्प से, क्योंकि आपको रिएक्टिविटी सीरीज आता रहेगा। और लेड कॉपर का दिया हुआ है, वहाँ पे सोडियम और कॉपर का दे देगा, वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है कि कौन डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो अगले चैप्टर में रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे, इसका एग्जांपल देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जैसे कि हमारे पास दो कंपाउंड है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और BaCl2 बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक्वस फॉर्म में है और दोनों रिएक्ट कर रहा है, तो BaSO4 यानी कि बैरियम सल्फेट बन जा रहा है, जो सोडियम सल्फेट है इसका सल्फेट बैरियम के साथ रिएक्शन करके बैरियम सल्फेट बना रहा है, और NaCl यानी कि जो सोडियम है वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और बैरियम सल्फेट जो बन रहा है सॉलिड फॉर्म में, NaCl जो है यानी कि सोडियम क्लोराइड वो एक्वस फॉर्म में बन रहा है, मतलब वाटर वेपर उसमें है या फिर वाटर का जो अमाउंट है प्रेजेंट है वहाँ पे, एक्वस में ही होता है। जो इसका एक्सप्लेनेशन है इस तरीके से, यू विल ऑब्जर्व दैट ए वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड, यानी कि बैरियम सल्फेट जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है फॉर्म्ड होगा आफ्टर रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड। तो इसका कलर आप याद कर लेंगे, बैरियम सल्फेट का कलर वाइट होता है, सॉरी। दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म इज नोन एज प्रेसिपिटेट, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। मतलब जिसमें भी प्रेसिपिटेट होकर मेटल नीचे आ जाता है तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, जैसा कि ऊपर वाले केस में भी हो रहा था, एक मेटल दूसरे को कंपाउंड से रिप्लेस कर दे रहा था क्योंकि उससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जो दूसरा मेटल था प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जा रहा था, तो उस टाइप के भी रिएक्शन को भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाए, प्रेसिपिटेट बोलते हैं कि वो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड बने जो कि वाटर में सोलूबल नहीं हो, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सोलूबल ना होने के कारण वो नीचे बैठ जाता है।